लॉकडाउन में शादियों पर ब्रेक लगा दी है और लॉकडाउन के बीच लगन के इस दौर में बैंड बाजा बारात की आवाज़ पूर्णतः बंद है। शादी के दौरान सड़कों पर होने वाले नागिन डांस का नज़ारा भी कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन कोरोना संकट के इस कठिन दौर में एक जोड़ी शादी के अटूट बंधन में बंध गई है, तो इस मौके पर ना तो बैंड बाजा ना ही डांस हुआ और ना ही बारातियों की भीड़ जमा हुई। ये मामला जिला हमीरपुर के महल गाँव का है, जहाँ पर बारात में महज 3 लोग ही शामिल हुए और बारात नदौन के मोवाल घाट में गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुल्हन को घर लाया गया। महलगांव से दूल्हा अंकुश कुमार अपने पिता ओम प्रकाश, चाचा राजेश, संजीव मास्क लगाए शादी करने पहुंचे। बिना बैंड बाजा के नाच गानों के बीच शादी की रस्में पूरी की गई। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन किया। दूल्हे के पिता ओम प्रकाश ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शादी में सिर्फ 3 लोग ही गए थे और बारात नदौन के मोवाल घाट में गई थी। उन्होंने बताया कि पूरे रीति रिवाज सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार ही पूरे किए गए। तो जो भी सरकार द्वारा नियम तय किए थे लॉकडाउन के दौरान, हमने सबका पालन किया और हम बारात में से 3 आदमी वहाँ पे गए थे। हमारे घर जो है वो महल में है, महल से बारात जो है वो नदौन में जो मवाल घाट गाँव है वहाँ गई थी। सुबह गए थे बारात में और जो भी हमारे रीति रिवाज के रखने थे उनको हम जल्दी जल्दी पूरा करके और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए हम अब घर पहुँच गए हैं। ठीक, तू भी देख।